अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन मॉम इन केस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अपने अपने घरों में खुश होंगे और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक है। और आज है फ्राइडे और आज हम आए हैं वादी नमर पार्क, जो कि रियाद में है। जो लोग रियाद में होंगे वो लोग को पता होगा, और ये पार्क बहुत बहुत खूबसूरत है। और आज हम लोग यहाँ पे आए हैं बारबेक्यू करने, बारबेक्यू पार्टी करने। आज हम लोग यहाँ आए हैं तीन फैमिलीज़ आए हैं हम लोग। और ये मेरे हस्बैंड यहाँ पे बैठ के बना रहे हैं, और उनके एक दोस्त भी है। और ये देखिए जी, मेरी बेटी, और यहाँ पे भी इसने दो फ्रेंड्स बना ली है। ये देखिए, यहाँ का व्यू जब शाम होती है तो बहुत बहुत खूबसूरत लगता है। यहाँ पे पहाड़ जो है उसमें लाइट्स वगैरह बहुत सारी लगी हुई है, इसलिए ये बहुत बहुत खूबसूरत लगता है रात में। और जी, अभी रात हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है, इसलिए अब हम लोग चलते हैं घर। जी, तो ये है नेक्स्ट डे की वीडियो। और अब मैं बनाने लगी हूँ खाना। दोपहर का टाइम हो रहा है, मैं नाश्ता नहीं बनाती हूँ, उठती हूँ तो डायरेक्ट खाना ही बनाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड सुबह सुबह चले जाते हैं तो वो डायरेक्ट खाना खाने के लिए ही आते हैं। जी, तो आज मैंने बनाना है दाल चावल और पालक और आलू की भाजी अपने गांव स्टाइल से। इसमें कोई भी मसाले वगैरह नहीं जाएंगे, इसमें सिर्फ प्याज और हरी मिर्च को ब्राउन करके ये बनती है सालन, और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े की बनती है। जब तक मेरा प्याज ब्राउन हो रहा है, मेरा दाल गल चुका है, मैं दाल को घाट लेती हूँ और उसमें पानी डाल करके उसको उबलने के लिए चढ़ा दूंगी। जब तक मेरा प्याज भी ब्राउन होने लगा है, ये देखिए थोड़ी सी और ब्राउन होगी तो मैं इसमें डाल दूंगी पालक और नमक। थोड़ी सी पानी डाल के इसको गलने के लिए रख दूंगी मैं। नमक के अलावा इसमें कोई भी मसाला नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे गांव में ऐसी ही बनती है। और दाल चावल के साथ तो सिंपल और सादी सी सब्जी अच्छी लगती है। और जी, अब मैं लगाऊंगी अपने दाल में तड़का। और मैं दाल में तड़का लगाती हूँ जीरा, राई, लहसुन, प्याज और करी पत्ता से, और एक सूखी लाल मिर्च भी डालूंगी। ऐसे दाल में मैं मिर्ची नहीं डालती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी को भी खाना होता है और मेरी बेटी शौक से दाल चावल खाती है, इसलिए मैं उसमें मिर्ची नहीं डालती हूँ। अच्छा, ये देखिए मेरा पालक भी गल चुका है, मैंने इसी चमचे से उसे थोड़ा मैश कर लिया है। और अब मैं इसमें आलू डाल के इसको पकने के लिए रख दूंगी। अच्छी तरीके से गल जाएगा और पानी सूख जाएगा तो मेरा सालन तैयार हो जाएगा। और जी देखिए, मेरा खाना तैयार है और मेरे हस्बैंड भी आ चुके हैं, क्योंकि अभी हो रहा है सलाह का टाइम, और सलाह में मेरे हस्बैंड घर आते हैं खाने के लिए असर के टाइम में। और देखिए, वो है मेरा पालक और आलू की भाजी, बहुत ही अच्छी बनती है, आप लोग भी ट्राई करना। और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।